डर गया था इसलिए पेन घुसे डाला। क्यों? ये अपुन को डरा रहा था। ऐसे जोकर तो डरावने होते ही हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी आंख को फोड़ दिया जाएगा। अपुन के पास पेन था। जस्टिस। वो आंख में घुसेड़ दिया। वो फाउंटेन पेन था, वो नुकीला पेन था, इसी वजह से ये मर गया। अब इसे यहाँ से हटाओ फ्रैंकलिन। ठीक है। ये तो लगता है जिंदा है। इसका तो गेम बच गया। हमारी बात मान जाओ रिचर्ड, वरना तुम तो जानते हो कि हमें लोगों को मारने के बहुत से कारगर तरीके आते हैं। वैसे मैं तुम्हारा जबड़ा भी तोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसे देखकर तुम्हें झटका तो नहीं लगेगा मेरे प्यारे रिचर्ड? तुम मुझे डरा नहीं सकते, नहीं डरा सकते। अब तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में डरा कर ही दम लूंगा। अरे भाई तुम देख क्या रहे हो, जरा उसे कस के पकड़ो, कस के पकड़ो। बहुत हो गया, इसका जबड़ा खोलो। क्या था ये, जरा देखो वहां पर क्या है। ठीक है देखता हूं। क्या हो रहा है, कौन है वहां पर? वेयरवॉल्स? तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मौत तुम्हें यहां खींच कर लाई है। हरामखोर, ये तो तुमने ही चुना था मेरे दोस्त, बेमिसाल। तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। तुम वर्वुल्फ्स मासूमों की रक्षा करते हो। वर्वुल्फ्स बनकर तुम लोगों ने शैतान को मारा है। तुम हीरो वर्वुल्फ्स हो। मुझे माफ कर दो बच्चे। कि तेरे को मैंने उस दिन काटा था, अपुन को लगा कि मैं तेरे को कुछ दे रही हूं। तेरे को लग रहा है तू मेरे को कुछ दे रही है? कहीं कुत्ते के काटने की तरह रेबीज तो नहीं दे रहे मेरे को? अरे हाँ, तेरे को तो शायद मैं बीमार कुतिया लग रही हूं। अपुन को कुछ बताना है। अपुन एक डांसर है, एक स्ट्रिपर,
कौन सा क्लब में? अपुन तेरे को बताने ही वाली कौन सा क्लब में? विक्सेंस। उधर तू अपना पेन गवाया, किसको घोंपा तू? हाँ, वो आदमी बहुत डरावना था, इतना कि बिल्कुल मैकी। उसका नाम मैकी था। अपन रात को भी काम करता है। वेयरवुल्फ बनते हैं काटने से। भेजा उड़ा डालूंगी। तेरे को लगता है कि तू जिंदा बच जाएगी? जरूर। अपुन के पास गन है और तेरे पास छुरा। इस खतरनाक गन से तेरे को टपका डालेगी अगर तू अपनी जगह से एक इंच भी हिला, कुत्ते के बिल्ले। तू मेरे को आसानी से नहीं मार पाएगी। हाथ नीचे, चल निकल। ठीक है, निकल ले। तेरे को बाद में देखेगा मैं। क्या वो सिर्फ एक पेन था? हाँ, पेन ही था, लेकिन अपुन को समझ में नहीं आया कि वो पेन से कैसे मर गया। लवली, फ्रैंकलिन, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें इस जॉब के बारे में एक बार बताया था कि ये कैसा है? लड़कियां अपने कपड़े उतारती हैं। हाँ। लोग मजे लेते हैं। वेल, तुम्हें इस आदमी के बारे में क्या लग रहा है? इसके हाथ काट देते हैं, इसे गायब कर देते हैं। अपमान, ये आइडिया अपुन के भेजे के ऊपर से जा रहा है। मैं तुम्हें समझा रही हूँ फ्रैंकलिन, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो ये हम लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। देखो फ्रैंकलिन, ये तुम्हें हमारे लिए करना ही होगा, नहीं तो हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। ये क्या हरामीपन है साला, अपुन उसकी बजाने आया था लेकिन वो अपुन लोग की बजा रहा है। साला कमीना, हम लोग को वर्वुल्स ने डिंगो बोल रहा था। छोड़ूंगा नहीं हरामी को, उसकी माँ का साकिना का की दुकान फोड़ दूंगा। डिंगोज तो कुत्ते होते हैं ना। इधर रुकने का क्या? नहीं नहीं, उसकी तुम माँ का आगे से कोई ऐसा मिला ना, फिर मैं उसको अच्छी तरह से बताऊंगा कि वर्वुल्स किस तरह से बजाते हैं, तभी जो उसको पता चलेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इसको पता है ये कुछ भी नहीं कर सकता है। जान दे बिड़ू, ऐसा बंकस करना वर्वुल्स का आदत होता है। कोई भी इस मामले में कुछ नहीं जानता, हमें खुद को बचाने के लिए ये बात सिर्फ तीनों तक रखनी है, समझ गए? मतलब हम चारों के बीच में, समझ गए? ए लड़की, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे बंद पर्दों के अंदर डायरेक्ट घुसी चली आ रही हो? बाहर जाकर कस्टमर्स को क्या चाहिए वो देखो पहले। तुम लोग जल्दी जल्दी किसी तरह से ये काम निपटाओ। हम लोग अब इसे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। Before you know it, they will be surrounding the dance floor.
as fun. Whooping and hollering, crying and screaming out for more, 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 more. And you'll give it to a dance till you give it all you got until the music stops. And dance till you drop. Is a groove that is just so commanding. So commanding. I guarantee you'll be the last one standing. Dance till you drop. Give it all you got until the music stops. If they want you out of here, they're gonna have to drag you up. इसको इधर से ही फेंक देते हैं। कैसा बकवास कर रहा है तू? अपुन तेरे को जो करने के लिए बोल रहा है वही कर। छेदार। तुम जानती हो जानी, तुम अब तक कितनी सिगरेट पी चुकी हो? पूरा सिगरेट का पैकेट खत्म कर दिया है तुमने। हाँ मुझे पता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्मोकर हूँ। लेकिन तुमने तो सिगरेट छोड़ दी थी ना। ये मेरा आखिरी सिगरेट है। तुम्हें पता है तुम स्मोकर नहीं चेन स्मोकर हो। क्या हो रहा है इसको, कुछ परेशानी है? परेशानी तो भयानक किस्म की है। यहाँ पर एक मर्डर हुआ है। मैंने बॉडी को ठिकाने लगा दिया है। मैम चेंज कर लीजिए। आज इस आइटम के साथ अपन अच्छी फाइट करेंगे। इसने तो दो दोस्तों को जुदा कर दिया। एक को वो तो दूसरे को अपन फॉलो करेगा। नहीं, मैकी को मत बुलाओ। माँ की आंख। अपन के पास एक आइडिया है। पिछले कई दिनों से मैं तेरे से बात करना चाहती थी फ्रैंकलिन। क्योंकि मैं तेरे को बहुत ही करीबी दोस्त समझती हूँ। तुझे पता है अपन पहली बार मिले थे। तू सच कह रही है, शायद अपन को भी कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है। किसी और के बारे में सोच रहा है? नहीं तो ठीक है। अपन तेरे को गिफ्ट देना चाहती है। नॉर्फ न्यूक। हे देख, ये बाएं हाथ का है और ये दाएं हाथ का, और इसे पहनकर तू उसे हिट कर सकता है जिसे तू हिट करता है। और वैसे भी तू मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है, तो अपुन को लगा यही गिफ्ट सही है। झकास है, पहली बार अपुन को कोई अच्छा गिफ्ट मिले लाया है। ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, अपुन सोच रहा है कि तेरे से मार्शल आर्ट सीख लूं। बहुत झकास है और तुम भी झकास। क्या कर रहे तुम लोग? अखा जलना चाहिए, भेजे में घुसी। अपुन को सिखाने का नहीं, अपुन अपना काम करेगा। तेरे को अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, समझ गया? क्या तू सड़क छाप आइटम है? नहीं। हु? मेरी बीवी भी तेरी जैसी थी। ओ, ऐसा क्या?
चलो इधर से कल्टी मारते हैं। चल कल्टी मारते हैं। चली गई सारी। अरे ओए, अरे इसे रोक तो काय को है, खिलाना इस तो है। दिमाग की माँ बहन मत कर, पहले गाड़ी में क्या है ये तो देख। ये क्या? अबे ये तो डेड बॉडी है। उस हरामजादे ने अपन लोगों को पूरी तरह से फंसा दिया ला यार। ए, हड़बड़ाओ मत, तुम लोगों को मारने हम आ चुके हैं। तू कौन है भाई? बस तुमने उसे क्रॉस घूम दिया? नहीं नहीं नहीं। ओ ठीक है, अपनी आइटम आ गई ली। सूरत परी ना, रुकना एक मिनट, सारे लॉक्स तो खोलने दे यार, क्या कर रही है तू? अरे रुक तो, जल्दी करो। अरे क्या हुआ तेरे को? वो लोग मेरे पीछा। हाँ खूबसूरत लग रही है। हे आइटम, आप उनको अंदर आने दे, फिर अपन सब मिलकर घोड़ा घोड़ा खेलेंगे। तुम बेवकूफ हो। ओ बॉस, मैंने बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ ओ जाबाज मर्द, सूट बूट में है, नहीं नहीं जींस में है, नाक भी छिदवाया है, ये तो जंगली जानवर है। वो भेड़िया है, आदमी के रूप में। मतलब वेयरवुल्फ। उसने फ्रैंकलिन को मारा, मेरे को मारना चाहता है। दानी चुप करना, एकदम चुप। दरवाजा तोड़ दो।
इसको खाने के बाद डिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी दोस्त, बहुत मजा आएगा। हाय बेबी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद कॉल कर सकता हूँ? शट अप। पहले आप उनको बता कि तू वेयरवुल्फ्स को कैसे मारता है, तेरे पास सपोर्ट ना हो तो। देखो इस वक्त मैं सच में बहुत बुरे तरीके से फंसा हूँ। देखो देखो मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ, ठीक है? अरे लपेटना बंद कर सिंगलर, अपन को सच्ची में तेरी मदद की जरूरत है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं यहाँ मरने वाला हूँ और मैं तुम्हें क्या बताऊँ? इसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। बकवास बंद कर, वेयरवुल्फ्स अपन का दरवाजा तोड़ रहे हैं, ऐसे में उन्हें रोकने के लिए अपन को क्या करना होगा? अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? सुनो, इन्हें रोकने के लिए तुम्हें रोशनी की जरूरत है, दिन का उजाला। तुम्हें दिन का उजाला चाहिए, उसे पैदा करो। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, अपुन को दिन का उजाला चाहिए। लेकिन सुबह होने में अभी बहुत वक्त है। अपुन को मालूम है, यही तो सोच रही है। सोच रही है? अरे अब तो वक्त लगेगी। हम दोनों को जरूरत है दिन के उजाले की। यह तो दिन का उजाला नहीं है। क्या हो गया? क्या एंट्री है? तुम वेयरवुल्फ इंसान नहीं हो, पर इंसानों को बहुत तकलीफ देते हो। अब अपुन तेरे को तकलीफ देगा, तेरे को नामर्द बनाकर। अबे तो पाछो हट, इसकी तो अपुन बचाता है। अगला। इसने तो अपुन की भाषा डाले। मैं तुम्हें धीमी मौत मारने वाला हूं, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस तुमसे पहले खत्म हो जाएगा। तेरे को क्या लगता है ये सच में भाग जाएंगे? टेंशन क्यों लेती है? और एक गोली है ना अपने पास। तो बिल्कुल अपुन की तरह क्यों है? मतलब तेरा नेचर भी अपुन से मैच करता है, तो अपुन की तरह बिंदास है। सिंक्लर को ये अच्छा लगता है, अब अपुन बिल्कुल तेरे जैसा बनने की कोशिश भी करेगा। दानी ओ, ओ, मेरे को चक्कर आ रहा है। क्या? सामान फूट गया, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ओ जान कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा और काफी टकाटक। तो अपनी बात करना। तो सुन, कोई खिड़की ढूंढ, वहां से अंदर घुस के उन कुतियों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फालतू टेंशन लेने का नहीं, अपुन को इनसे बदला नहीं लेने का। हम सही जगह पर पहुंचे हैं, वो सब स्ट्रिपर्स हैं। तुमको कैसे पता? उनके कपड़े नहीं देखे? सिर्फ स्ट्रिपर्स ऐसे कपड़े पहनती हैं, प्रैक्टिकली उनका यूनिफॉर्म ऐसा ही होता है। एकदम बेफिजुल का बात है। क्या हुआ? वो स्ट्रिपर्स ही हैं, मेरा यकीन करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरा इतनी जल्दी इन लोगों से पाला पड़ जाएगा। वेल, हैरी, अपनी यादों को ताजा करो दोस्त। तुम्हें याद आएगा तो तुम्हें पता चलेगा हमारा कुछ हिसाब बाकी है। 1984 याद आया? तुम्हें ब्लिस याद है ना? हाँ मुझे याद है, तुम्हारी बीवी थी ना? हाँ, उसकी मौत का बदला लूंगा तुझसे। हैरी मेरे पास आ। सिर्फ इतना कहने के लिए तुम यहां नहीं आए हो? तुमने एक वेयरवुल्फ को मार डाला। हाँ, तुमने हमें बताया तक नहीं। हाँ? हमारे लड़के तैयारी कर रहे हैं और वो अपनी गलती सुधार लेंगे। कैसी गलती? मैं यहां से जल्द ही बाहर निकल रहा हूं। मेरी नई फैमिली को मेरी जरूरत है। बेचारी सैफ्रॉन, कितने खूबसूरत पैर थे इसके, तेरे को दूसरा पैर मिला क्या? तुम वापस ज्वाइन कर लो, फिर शायद तुम। क्या? अच्छा है, तुम चुप ही रहो,
वापस आऊंगा फेरिस, उसके बाद तुम अपने आप को किनारे कर लो और सब मुझे संभालने दो। मैंने तुमसे जो कहा कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या बोलते हो, तुम कहीं और चले जाना, समझ गए? बताए, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। अच्छा, किताब में कुछ लिखेला है कि वेयरवुल्फ्स कैसे बनते हैं? कुछ नहीं, वो श्रापित होने के लिए एक तो वेयरवुल्फ्स ने तेरे को काटना चाहिए या फिर तूने उसे। किताब में यही लिखा है, वेयरवुल्फ्स को मारने के लिए अपुन को उनसे ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। ये वेयरवुल्फ्स इतने, अपुन उनको बारूद से उड़ा डालेगा। नहीं, तुम लोग मेरा क्लब नहीं उड़ाओगी। तुम्हें पता है जेनेट अभी जिंदा है? नहीं, वो तो उसी दिन क्लब में चलकर मर गई थी। नहीं, वो नहीं मरी, वो अब भी जिंदा है। वो यही है, इसी शहर में। ये मेरा क्लब है और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कुछ बालों वाले डरावने राक्षस ये मुझसे छीन लें। मैं पहले ही सिल्वर डोलास गवा चुकी हूँ वेलेस्टर्न में। क्या पंगा था? अब कोई फायदा नहीं क्योंकि वो खत्म हो चुका है। उस जगह बहुत सारे खूनी राक्षस वेयरवुल्फ्स ने आतंक मचाया था। मैंने और कुछ लड़कियों ने वो क्लब उड़ा दिया था, लेकिन वेयरवुल्फ्स फिर भी बच गए। हाँ, क्योंकि उनमें ये शक्ति होती है कि वो अपने कटे फटे शरीर को जोड़कर फिर से जिंदा हो सकते हैं, ऐसा किताब में लिखा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ब्लास्ट होने के बाद ही अपने आप को जोड़कर जिंदा हो सकता है? ये कोई मजाक है? हाँ, उनमें ये काबिलियत होती है, किताब में ये लिखा है। अपन कुछ नहीं कर सकते और अपन यहाँ से भाग भी सकते हैं। हाँ, गलती मानना, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तुम लोग नहीं जानते, उन्होंने फ्रैंकलिन को ढूंढ लिया था, वो लोग तुम्हें भी ढूंढ लेंगे। तुम लोगों को पता है हम ऐसे नहीं जी सकते, कितनी रातें ऐसे आतंक में जिएंगे हम। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते हो, हमने उसे ढूंढ लिया है। सुनो, इस बार हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। खत्म कर दो साली को। इस बार हम उन्हें मजा चखा देंगे। उस पर नजर रखो, उसके सामने उसके फैमिली और दोस्तों को जान से मार दो। अगर वो अपनी आंखें बंद करें तो उसकी पलकें काट दो और उसे दिखा दो कि वेयरवुल्फ्स कैसे पीते हैं लोगों का खून, समझे? इस बार हम उन्हें भागने पर मजबूर कर देंगे, उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचल डालेंगे हम। वो तुमसे भीख मांगेगी तो उसके हाथ काट देना, उसे अपाहिज कर दो मरने से पहले। इतनी तकलीफ दो कि अगले जन्म में भी हमसे पंगा ना ले। उसका खून पी डालो फेरिस, और वेयरवुल्फ्स का बदला ले लो। बोलो लड़कियों, क्या कहती हो? हम इन कुत्तों को वो सजा देंगे जिसके ये काबिल हैं। और मेरे दोस्त, एक और बात उस गार्ड से कह दो, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहने वाला हूँ। तो विक्सन में काम करती है? हाँ, लेकिन मैं डांसर नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं जादूगरनी हूँ। अच्छा, तो एक जादू दिखाओ। कैसा लगा? अपना नाम बताओ। कैरल। मुझे भी एक जादू आता है। मैं अभी के अभी तुम्हें यहां से गायब कर दूंगा। नहीं! Thank you.
गुड इवनिंग जेंटलमैन, ये मेरा अपना क्लब है, आपको मेरा कानून मानना होगा। यहाँ कम से कम 3 ड्रिंक हैं। कोई भी प्राइवेट डांसर चुनेंगे तो आपको कैश देना होगा एडवांस में। लड़कियों को छूना बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। ये जानवरों जैसी हरकतें छोड़ दो और इंसान बनने की कोशिश करो। भेजे में घुसा क्या? कुछ कमाल देखना चाहोगे? कंधे नीचे कहीं अंदर, फिर पंच बेस नहीं जाता। अब अपुन तेरे को मजा चखाएगा अपने मुक्के से। बाकर स्पीकर्स। कई सालों के बाद तुम मुझसे मिल रहे हो फेरिस। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी तुमसे मिलने की जेनेट। ओह, आखिर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। और इस बात की मुझे काफी खुशी है। हरामी कुत्ते। मेरी जान तो गई काम से, अब तू पक्का काम से गई। मैं बोलता है अपुन एक स्ट्रिपर है और तू एक वेयरवुल्फ है, पंगे में सब जायज है। तू खुद को बहुत ज्यादा शाणा समझती है क्यों? तो देख शाणापन मेरा। टेम्पर का क्या हुआ? वो तुमसे मिलना चाहता है। क्या बात है? कभी कभी अपने आप को ज्यादा होशियार समझना मुश्किल खड़ी करता है, समझ रही हूँ ना जेनेट? छोड़
महक अच्छी है जेनेट। खुशबूदार माहौल में काम करना मेरा पेशा है, मैं तो ऐसी ही हूँ। तो ये बात है, तुम अब भी खूबसूरत हो जैसे पहले थी। सच में? सच कह रहा हूँ। उसमें ज्यादा गोलियां नहीं है। तुम और तुम्हारे दोस्त कुत्तों की मौत मरने वाली है, अब कोशिश छोड़ दो। ये नामुमकिन है फेरिस। तुम्हें मुमकिन करना होगा। शिट। ठंडे हो जाओ, मैं तुम्हें जन्नत की सैर पर ले जाऊंगी, मेरी अपनी जन्नत। बहुत बढ़िया काम किया दोस्तों, अब आएगा शिकार का मजा। चारों तरफ से आइटम लोग को घेर लो, मजा आएगा। तेरे को कुछ स्पेशल देती है, अपुन के आइटम को उसकी दी हुई अंगूठी वापस दे। मैं तेरे को प्यार करता, गलत मत सोचना, लेकिन अपुन अच्छा लड़का। ज्यादा डायलॉग बाजी मत मार जानू, अपुन का नाम जस्टिस है। हीरा बहुत बढ़िया है तेरा, लगता है इसका प्यार का भूत नहीं उतरा। अब बाजी फिर से अपुन के हाथ में आ गई, अब तुम लोगों का क्या होएगा अपुन को भी पता नहीं। तो फिर करो ना, तुम सारे आइटम लोग को इंतजार किस बात का है? चिकने, तेरे को कोई आइडिया नहीं कि अपुन लोग तेरे साथ क्या करने वाली है। कोई पागलपन मत करना तू। ओह, मुझे थोड़ा कूल पेश आना चाहिए, मैं मेरा सारा वक्त कूल रहने के लिए ही तो देता हूँ। मुझे लगता है यह शो टाइम है, ये शो टाइम है। बो, क्या करूं मैं, क्या करूं, लगता है मुझे वापस जाना चाहिए। जस्टिस, जस्टिस।
भी नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। कोई ऐसा बकवास डायलॉग नहीं सुनेगा यार, मुझे जरूरत है, जरूरत है। ओ एंटी पॉके। कितना बुरा है ये, तुम्हारे पास मेरा दिल था और मेरे पास तुम्हारा। वेलकम बैक, मैंने तुम्हें मिस किया। ब्रांडी कहाँ है? ब्रांडी फिर से क्यों नहीं जुड़ पाई? शायद उसे धमाके से पहले खून नहीं मिला होगा। खून नहीं तो श्राप नहीं। आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों की मदद करने जल्दी नहीं आ पाया। अब उन लोग श्रापित हो गए ली है। अब हम क्या कर सकते हैं? वेयरवुल्फ्स बनना दुनिया का बहुत बड़ा श्राप है, जैसे कि वैम्पायर बनना एक श्राप है। दोस्तों आपको समझ में आया? अब तुम लोगों के पास एक शक्ति आ गई है। दुनिया को तुम जैसों की सख्त जरूरत है। अगर तुम सब चाहो तो मेरे पास एक प्लान है जिससे हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। इस फिल्म में काफी अच्छे अच्छे ट्विस्ट थे और बहुत बेहतरीन क्लैश था, बढ़िया क्लैश था। काफी दिनों बाद इतनी अच्छी फिल्म देखने को मिली। आर्टिस्टों का काम बहुत अच्छा था। और बताओ तुम क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? वेयरवुल्फ्स जो बुराई खत्म करते हैं। ऐसे वेयरवुल्फ्स जो बेगुनाहों की रक्षा करते हैं, ये हीरो वेयरवुल्फ्स हैं।